वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मृदा। इस वीडियो में मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मृदा शब्द है ये इंग्लिश के सोइल शब्द से बना है, जो कि सोलन से बना है। और मृदा की हम बात करें, मृदा किसे कहते हैं, तो मृदा कार्बनिक व अकार्बनिक तत्वों के मिश्रण को हम मृदा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम एक परिभाषा देखें तो भूपर्पटी पर असंगठित अवसादी कार्बनिक व अकार्बनिक तत्वों के मिश्रण को मृदा कहा जाता है। दोस्तों, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करें, कहने का मतलब मृदा के निर्माण में जो जो कारक सहायक होते हैं उनकी हम बात करें, तो इनमें सबसे पहले है पैतृक शैल, फिर है जलवायु, फिर है वनस्पति, फिर है भूमिगत जल, फिर है सूक्ष्म जीव। दोस्तों, पैतृक शैल की हम बात करें, यानी कि मूल चट्टान जिससे मृदा का निर्माण होता है, तो पैतृक शैल धीरे धीरे उसमें अपचय व अपरदन होता है, टूटती फूटती है और महीम कण में विभाजित हो जाती है, तब जाके मृदा का निर्माण होता है। और पैतृक शैल मिट्टी में आधारभूत तत्व और पोषक तत्वों का निर्धारण करती है। ऐसे जलवायु की हम बात करें तो जलवायु है जो मिट्टी में रासायनिक क्रिया व सूक्ष्म जैविक क्रिया का करती है, कहने का मतलब उसमें। और वनस्पति की हम बात करें तो वनस्पति है जो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण करती है। ऐसे ही आगे भूमिगत जल की हम बात करें तो भूमिगत जल होता है वह मिट्टी में नमी प्रदान करता है, और जो मिट्टी नमी रखती है वह अधिक उपजाऊ होती है। सूक्ष्म जीवों की हम बात करें तो सूक्ष्म जीव मृदा में वनस्पति और जीवों के अवशेषों को सड़ा गलाकर यानी कि वियोजित करके खनिज व जैविक पदार्थों को अलग अलग करते हैं, और इसी से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बनती है, कहने का मतलब इसी से ह्यूमस का निर्माण भी होता है। जब जो भी का पदार्थ होते हैं उनको सूक्ष्म जीव सड़ा गला देते हैं तो वही खाद का काम करते हैं, फिर ह्यूमस की मात्रा बन जाती है उसमें। दोस्तों, रासायनिक क्रिया की हम बात करें और तो रासायनिक क्रिया में निक्षालन और एक केशिका क्रिया। निक्षालन को समझिए आप सबसे पहले, तो निक्षालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी के घुलनशील तत्व जो भी पानी में घुल सकते हैं वे पानी में घुलकर और नीचे के संस्तरों में पहुंच जाते हैं, तो इसे हम निक्षालन कहते हैं। कहने का मतलब जो भी तत्व पानी में घुल सकते हैं वे जब भी मिट्टी में पानी जाता है, ज़्यादा पानी, तो वे पानी में घुल जाते हैं और नीचे की परतों में पहुंच जाते हैं। जैसे कि इसमें फेरस और एल्युमिनियम है जो पानी के साथ घुल जाता है और नीचे के संस्तरों में पहुंच जाता है, और ऊपरी परत पर सिर्फ सिलिका रह जाती है। आगे बात करूँ मैं केशिका क्रिया की। केशिका क्रिया को केशिक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पानी में एक गुण पाया जाता है कि पानी होता है उसमें छोटी पतली नलकी देते हैं तो वह पानी फिर ऊपर चढ़ने लगता है, महीम नलिका के सहारे पानी ऊपर चढ़ता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव नहीं डाल पाता है इतना। तो आपने देखा होगा कि हम अगर फर्श पे कोई भी पानी गिरा देते हैं तो उस पर हम फोम रखते हैं तो वो पानी फोम सोख लेता है, यानी कि उसमें छोटे छोटे से रंध्र होते हैं, छोटे छोटे से नलिकाएँ होती है, कहने का मतलब जो पानी को ऊपर कैसे लेती हैं, तो पानी पर उस गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव नहीं डाल पाता, तो इसे केशिका क्रिया कहते हैं। यही क्रिया मिट्टी में भी होती है, मिट्टी के रंध्रों द्वारा पानी के साथ कैल्शियम का ऊपरी सतह पर आना केशिका क्रिया कहलाता है। आपने देखा होगा ये मरुस्थलीय इलाकों में ज़्यादा होता है, जब भी बारिश आती है पानी थोड़ा भी भर जाता है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ ऊपर आ जाता है जिसे कैल्शियम कहते हैं, और इसे नॉर्मल हिंदी भाषा में क्षार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मृदा के आगे हम बात करें तो मृदा दो प्रकृति की होती है, अम्लीय और क्षारीय। और इस मृदा का निर्धारण है जो पीएच स्केल के द्वारा होता है, क्योंकि जो कि मिट्टी में या किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की सांद्रता का निर्धारण करता है, तो वो पीएच स्केल होता है। इसमें 7 पर उदासीन रहता है और
किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है, और किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय प्रकृति में माना जाता है। दोस्तों जो मिट्टी पीएच मान 7 रखती है तो वह उदासीन मिट्टी कही जाती है, और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय मिट्टी होती है, और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय मिट्टी कही जाती है। दोस्तों अम्लीय मृदा को उदासीन बनाने के लिए, यानी कि जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है तो उसको उदासीन बनाकर ज़्यादा काम में लेने के लिए उसमें चूने का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे ही क्षारीय मृदा को उदासीन बनाने के लिए उस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पर क्षारीय मृदा पाई जाती है तो वहाँ पर किसान है जो मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करता है, तब जाके वह उदासीन होती है। और सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा की मैं बात करूँ तो वह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों अम्लीय मृदा होती है तो उसमें ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, तो उसमें ज़्यादा खेती नहीं हो पाती, तो उसमें ज़्यादातर पेय पदार्थों की खेती की जाती है। चाय की खेती होती है या फिर रबड़ वगैरह की खेती की जा सकती है। दोस्तों आगे बात करें मृदा के संगठन या निर्माण की, यानी कि मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तो उनको हम देख लेते हैं। मृदा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और उसमें ह्यूमस भी पाया जाता है, ह्यूमस यानी कि कार्बनिक पदार्थ, और उसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है और सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों की मैं बात करूं तो खनिज पदार्थ मृदा में लगभग 40-45% तक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ह्यूमस की मैं बात करूं तो ह्यूमस मृदा में 5 से लेकर 10% तक पाए जाते हैं, यानी कि इसकी मात्रा कहीं कम होती है कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन मृदा में 25% पाया जाता है, 25%, और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मृदा में 25% पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहने का मतलब कवक, जीवाणु, ये सभी सूक्ष्म जीवों में आते हैं जो कि पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करके और मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करते हैं ये, ठीक है। दोस्तों ह्यूमस की हम बात करें तो मृदा में वनस्पति के और जीवों के सड़े गले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। ह्यूमस का निर्माण कवक व जीवों के द्वारा होता है, ठीक है। दोस्तों आगे बात करें हम मृदा परिच्छेदिका की। मृदा परिच्छेदिका यानी कि मृदा में जितनी परतें पाई जाती हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मृदा की परिच्छेदिका होती है, यानी कि जो भी परतें होती हैं उनको हम संस्तर के नाम से जानते हैं, और मृदा में 4 संस्तर पाए जाते हैं, संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी और संस्तर डी, इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो जो संस्तर ए होता है ये सबसे उपजाऊ होता है, संस्तर बी, संस्तर सी और संस्तर डी, ये 4 संस्तर हो गए। संस्तर ए इसको 5 भागों में बांटा गया है, इसको ए डबल ओ, ए ओ, ए वन, ए टू, ए थ्री, इन भागों में बांटा गया है। दोस्तों ए ओ और ए डबल ओ इसको ओ के नाम से, ओ वन ओ टू के नाम से भी जाना जाता है कई जगहों पर। ऐसे ही जो बी संस्तर होता है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, बी वन, बी टू और बी थ्री, ये 3 भाग इस संस्तर के किए गए हैं। दोस्तों ये जो संस्तर होते हैं इसमें जो डी संस्तर है यह मूल चट्टान होती है, पैतृक शैल, कहने का मतलब जो अपक्षय में अपरदन होता है जिस चट्टान में, तो वो चट्टान है मूल। और सी संस्तर होता है यह अपक्षयित यानी अवसादी चट्टान है ये, ठीक है। और ऐसे ही धीरे धीरे टूटते टूटते जो और महीम कण बनते जाते हैं, सबसे ऊपर की परत संस्तर ए के नाम से जानी जाती है, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। दोस्तों मृदा के वर्गीकरण की बात करूं मैं तो मृदा को अलग अलग भूगोलवेत्ता ने अलग अलग तरीके से बांटा है, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा ये मार्बट महोदय का वर्गीकरण है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्षेत्रीय, मंडलीय या फिर कटिबंधीय मृदा, जिसको जोनल सोयल कहते हैं, कहने का मतलब एक कटिबंध के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया है। दूसरा है अंतः क्षेत्रीय, अंतरमंडलीय या फिर अंतः कटिबंधीय मृदा, इंट्रा जोनल सॉइल, एक कटिबंध के अंदर की मृदा को बताया गया इसमें। फिर है अप्रादेशिक मृदा या अपार्श्विक मृदा, जिसको एजोनल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है।
कहने का मतलब, इंग्लिश में जोनल सोइल कहते हैं इसको। दोस्तों जोनल सोइल की बात करूँ मैं तो जोनल सोइल को तीन भागों में बांटा गया है, पेडाल्फर, पेडोकल और टुंड्रा मृदा। ऐसे ही इंट्रा जोनल की बात करूँ तो इंट्रा जोनल को भी तीन भागों में बांटा गया है, जलोद्भिद, कैल्सिमॉर्फिक और लवणोद्भिद। ठीक है, और जोनल सोइल की बात करूँ तो जोनल सोइल को दो भागों में बांटा गया है, लिथोसोल और रेगोसोल। दोस्तों कटिबंधीय मृदा की हम सबसे पहले बात करें तो इसमें सबसे पहले पेडाल्फर है। पेडाल्फर में पेड का मतलब होता है मृदा, ठीक है, और इस मृदा में एल्युमिनियम और आयरन पाया जाता है। ठीक है, और यह मृदा आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे ही बात करूँ मैं पेडोकॉल की तो पेडोकॉल, इसमें भी पेड का मतलब होता है मृदा, और इस मृदा में कैल्शियम पाया जाता है ज़्यादातर, और ये शुष्क व अर्ध शुष्क इलाकों में पाई जाती है। कहने का मतलब थोड़ा रेगिस्तानी यानी रेत वाला इलाका हो वहाँ पाई जाती है ये। ऐसे टुंड्रा मृदा की बात करें तो ये शीत प्रदेशों में पाई जाती है, और इस मृदा में जीवाणुओं की सक्रियता कम रहती है। कहने का मतलब ये मृदा उपजाऊ नहीं होती इतनी ज़्यादा। ऐसे ही आगे बात करूँ मैं अंतः क्षेत्रीय या अंतः कटिबंधीय मृदा की तो इसको भी मैंने तीन भागों में बांटा था। सबसे पहले जलोद्भिद जिसको हाइड्रोमॉर्फिक कहते हैं, यानी कि इस मृदा में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो दलदलीय क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, बाढ़ के मैदानों में यह मृदा पाई जाती है। ऐसे ही मैं बात करूँ कैल्सिमॉर्फिक की तो कैल्सिमॉर्फिक मृदा है यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही लवणोद्भिद की बात करूँ मैं तो लवणोद्भिद यानी कि जिसमें थोड़ा क्षारीय प्रकृति की हो, तो ये दो तरीके की होती है, एक काली लवणीय, दूसरी सफ़ेद लवणीय। दोस्तों आगे बात करूँ मैं अपार्श्विक मृदा की तो अपार्श्विक मृदा को दो भागों में बांटा था, जिसमें पहली है लिथोसोल। लिथोसोल है यह पर्वतपदीय इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर भूस्खलन वगैरह ज़्यादा होते हैं, और दूसरी है रेगोसोल। रेगोसोल जो मृदा होती है ये नदी द्वारा निर्मित होती है या पवन द्वारा निर्मित होती है, नदी द्वारा जलोढ़ मृदा के रूप में होती है, और पवन जो द्वारा जो मृदा होती है तो इसे वातोद या लोयस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मृदा के वर्गीकरण की आगे बात करें ऐसे ही तो मृदा के 11 प्रकार बताए गए हैं, इनको देख लेते हैं। इनमें है एंटीसोल, फिर है हिस्टोसोल, फिर है वर्टिसोल, फिर है इंसेप्टिसोल, फिर है एरडिसोल, फिर है मोलिसोल, फिर है अल्फिसोल, फिर है स्पेडोसोल, फिर है अल्टीसोल, फिर है ऑक्सीसोल और फिर है एंडिसोल। ये 11 प्रकार और बताए गए मृदा के, इन 11 प्रकारों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।